हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉगिंग वीडियो। तो सबको राम राम, जय माता दी, सुप्रभात। आज मैं खंडवा जा रहा हूँ सुबह से, क्योंकि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। गाड़ी की सर्विसिंग करवाने के लिए देखिए, ये मार गए जुगाड़ से। हमने मोबाइल चार्जिंग लगा दिया, क्योंकि दिन भर की लाइट नहीं थी घर में, तो इसलिए जुगाड़ से मोबाइल को चार्जिंग लगा दिया। हम यहाँ से निकलते हैं खंडवा की, और आपको खंडवा में पहुँचने के बाद मिलते हैं। धन्यवाद, जब तक चैनल से जुड़ जाइए आप लोग। एंड हमें रास्ते में शनिदेव का मंदिर मिला, तो यहाँ पर शनिदेव के दर्शन कर लेते, आशीर्वाद ले लेते, क्योंकि शनि भगवान भी दीनदयाल रवि भाषांग है, तो उनके आशीर्वाद ले लेते। और यहाँ पर छोटे छोटे कुछ मंदिर बने, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे सिंह मतलब जो वो अवतार लिया था ना, नरसिंह को मारा था, सिंह अवतार ये यहाँ पर बने। यहाँ पर हनुमान जी का, क्योंकि जहाँ पर भी शनि मंदिर रहेगा ना, वहाँ पर हनुमान मंदिर बिल्कुल रहता है। ये हनुमान जी के दर्शन कर लिए हमने, अब यहाँ से आगे जाएंगे। यहाँ पर दुर्गा माता जी का भी मंदिर बना है, भैरव भगवान का मंदिर बना है। ये देखिए, छोटा सा भैरव बाबा का मंदिर ये बना हुआ, एक ही मंदिर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर। हेलो दोस्तों, अभी हम शनि देव के दर्शन करने आए शनि मंदिर में। ये हमारे गांव के पास स्थित है, ये देखिए आपको पीछे दिख रहा होगा। दर्शन कर लिए, अब यहाँ से खंडवा की ओर निकलेंगे। दोस्तों अभी गाड़ी की सर्विसिंग करवाने आए हैं सामने, अभी वो जब चेक कर रहे हैं तो बताते हैं। यहीं से मैंने मेरी जो पुरानी गाड़ी ना पापा वाली, वो यहीं से ली है। अब वो आते हैं फिर पता चलता है, आते फिर सर्विसिंग करवाएंगे और क्या। देखते रहिए आप ब्लॉग। देखिए फ्रेंड, अब हमारी गाड़ी की सर्विसिंग हो रही है। अब गाड़ी को खोला जा रहा है, क्योंकि गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम है उसे देखा जा रहा था। अब उसके पूरे चेन में सबको खोला जाएगा, और उसमें चेक किया जाएगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो फिर हमें बताया जाएगा गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, अभी सर्विसिंग हो रही है। अब हमारी गाड़ी की खोल देनी चाहिए, और सब पूरे उसके वो खोल दे कि जहाँ पर भी गाड़ी में प्रॉब्लम हो उसे देख के उसमें आइल वाइल और गैस पानी सब देंगे, और उसके बाद हमारी गाड़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, वहाँ कुर्सी पंखे सब लगे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं बैठ के देख रहा हूँ कि गाड़ी कैसे सर्विसिंग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और अभी सर्विसिंग होने में टाइम लगेगा, मान के चलो कि 1 से 1.5 घंटा, तब तक इंतज़ार करते। फिर खंडवा से हमें कुछ सामान वामान भी लेना है, तो आपको मैं दिखाऊंगा खंडवा का भी थोड़े बहुत ब्लॉग, तो आप लोग देखते रहिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि खंडवा में क्या क्या चीज़ अच्छी है दिखाने लायक, मैं दिखा सकूँ आप लोगों को। मैं कोशिश करूँगा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ लाने की। अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा गिर रही है, तो यहाँ पंखा चल रहा है, पंखे में बैठे हैं। फिर उसके 12 बजे तक हो जाएगी सर्विसिंग के बाद, गाड़ी की सर्विसिंग होने के बाद हमें खंडवा में कुछ सामान लेने जाएंगी, तो अभी सर्विसिंग पूरी कंप्लीट करवा लेते हैं। क्योंकि सर्विसिंग हमें जो गाड़ी एकदम से मान के चलो तो अचानक बंद हो चुकी थी, तो इसलिए हमें सर्विसिंग करवाना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि गाड़ी में प्रॉब्लम होती रहती है, इसलिए सर्विसिंग करवा रहे हम। ये पूरी देखिए, गाड़ी में जैसे पेट्रोल आता है ना, पेट्रोल से चेन फाइबर को धोया जा रहा है, जिससे कि उसमें जो भी प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाए। हेलो दोस्तों, अभी आइसक्रीम खाने आए हैं हम, देखिए अब ऑर्डर देते हैं फिर खाएंगे। आइसक्रीम लस्सी आ चुकी है, अब इसके बाद हम पियेंगे इसको एकदम बढ़िया तरीके से। आइसक्रीम लस्सी एकदम इतनी टेस्टी लगती है, आप लोग भी कभी खंडवाए तो बसेड़ा वाले के शॉप पे जाके आइसक्रीम लस्सी ट्राई कर सकते। देखिए अभी हम पी रहे आइसक्रीम लस्सी, ये एकदम बढ़िया, एकदम बहुत टेस्टी आइसक्रीम लस्सी है, एकदम इतनी प्यारी और इतनी अच्छी है, मज़ा आ जाता है उसे पी के। ये देखिए, और इसका टेस्ट भी एकदम बहुत बेहतरीन आता है, आप लोग कभी भी ट्राई कीजिएगा। मैं शॉप का एड्रेस डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ से पूरी आइसक्रीम वाइसक्रीम ख़त्म करके यहाँ से फिर हम घर की ओर जाएंगे, थोड़ा बहुत और सामान लेना है वो ले लेंगे। जैसे अभी ये अचार ले रहे हैं, ये अचार की दुकान पे आ चुके हैं, अचार की शॉप यहाँ पर, ये हमारी फेवरेट अचार की शॉप है, और हर बार हम यहीं से अचार लेते हैं। ये देखिए आप लोग कितना
प्यारा नज़ारा दिख रहा है। ये रेलवे स्टेशन के पास है अचार की दुकान, रेलवे स्टेशन की जो गली आती है ना, ये वहाँ पर अचार की दुकान है और यहाँ से भी आप अचार ले सकते हैं, बहुत टेस्टी अचार मिलता है, कभी भी आ जाइए आप लोग। मार्केट में आ चुके हैं, सब्जी वब्जी लेंगे, तो सामने आपको मार्केट दिख रहा है, सब्जी वब्जी लेंगे। विकास को सामान लेने गया है दुकान पे नीचे, उसके लिए कुछ टी शर्ट वी शर्ट, तुम्हें इंतज़ार कर रहा कब आएगा, सब्जी वब्जी लेंगे और क्या, वो आता है फिर निकलेंगे यहाँ से। मैंने गाड़ी की सर्विसिंग वर्विसिंग करवा ली, 550 रुपये लगे मुझे सर्विसिंग में, हाँ 550-600 रुपये, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ जो नई नई जो नहीं थी उसको डलवाना पड़ा, वो करवा लिया। घर की ओर निकलेंगे, थोड़ा बहुत सामान ले लेते घर के लिए, किराना सामान अचार उचार ले लिया। देखिए फ्रेंड, अब हम थोड़ा नाश्ता कर रहे हैं, ये छोला कचौड़ी है, हमें इतनी फेवरेट है, बहुत अच्छी लगती है, अभी इसे खाते फिर उसके बाद घर की ओर निकलेंगे। सामान ले लिया हमने और फिर घर आके मैं भाई कचौरी ले आया था दुकान पे से, तो कचौरी भी खाने की कोशिश कर देखे, बहुत टेस्टी, उस पर हरी चटनी और लाल चटनी डाल के कचौरी खाते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों ने कल देखा मैं खंडवा गया था अचार और कुछ सामान लेने, और गाड़ी ख़राब हो गई थी हमारी, ये कुछ हो गया उसमें सर्विसिंग करवाने, मतलब कि वो चलते चलते अटक रही थी, रुक रही थी, उसकी सर्विसिंग वर्विसिंग करवाने गए थे, वो भी हो गई। अब पानी आ रहा है, ये देखिए थोड़ा गीला हो चुका है इधर। कल वहाँ खंडवा गए थे, आप लोगों ने देखा, अभी तो नहीं देखा होगा, मैंने ब्लॉग डाला नहीं, अब मैं उसको एडिटिंग करूँगा, उसके बाद डालूँगा। लगभग मुझे एडिटिंग करने में लगेंगे 2 घंटे, एडिटिंग करना आसान खेल नहीं है बच्चों का। एडिटिंग करूँगा फिर ब्लॉग अपलोड करूँगा। तो ये कल का ब्लॉग को मैं अब एंड करता हूँ, क्योंकि अभी बारिश भी हो रही है, ये देखिए हल्की फुल्की ये बारिश भी हो रही है। आप लोग जो लोग मेरे चैनल पर नए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए गाइस, बाय। यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डाल दूँगा, आप लोग वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, कुछ बात बोलना तो वहाँ पर भी बोल सकते हैं। बाय।